हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने एक पार्ट शेयर कर दिया है, पहले उसे सुन लीजिए, फिर इसे सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के एपिसोड का हम शुरू करते हैं। एक बार की बात होती है, एक एक रात ऐसी होती है जहाँ पर वांग जी और विंग अपने ऑफिशियल काम के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वो उस जगह से वापस आ रहे होते हैं, इतनी तेज बारिश होती है। वांगची और वींग, जो कि अपने घर से 300-350 किलोमीटर दूर थे, वो देखते हैं कि वहाँ पर, जबकि वो पहाड़ी एरिया में आए हुए थे, अचानक से बारिश आने से भूस्खलन हो जाता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है। वो लोग ऑलरेडी जहाँ वो काम के लिए आए थे उस जगह से 50 किलोमीटर आगे थे, लेकिन अचानक से लैंडस्लाइड होने पर विंग और वांगजी डर जाते हैं। बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि उन लोगों को आसपास में ही एक कॉटेज में सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर वांगजी और विंग यहाँ पर बार बार आसपास के कॉटेज में पूछने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े भीग जाते हैं। पहाड़ों पर वैसे भी ठंड ज़्यादा होती है। एट द एंड उन लोगों को एक कॉटेज मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, वो लोग एक एक रोप मंगवा लेते हैं और बाथरूम में जाकर अपने आप को क्लीन कर कर वो लोग कुछ देर के लिए अपने रोप पहन लेते हैं और लॉन्ड्री में अपने अपने कपड़ों को सुखाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनके कपड़े गीले थे। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे आसपास के लोगों से कि उन्हें एक कॉटेज दे दिया जाए, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे नहीं। सारे घर थोड़े कॉटेज जैसे ही बने हुए थे, पर वहाँ पर जो कॉटेज थे वो फुल थे और बाकी सारे घर थे। घर में कोई किसी को घुसने नहीं देता, तो कोई आशिया दे नहीं रहा था। यहाँ पर जैसे तैसे वांगची और यहाँ पर विभूषण उस कॉटेज में पहुँच कर नहा धोकर बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ बाथिंग रोब्स पहने हुए थे। यहाँ पर विंग लंचा को बड़े प्यार से देख रहा होता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा हॉट भी। विंग लंचा से कहता है, लंचा, हमने अपने कपड़े सूखने के लिए तो दे दिए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौसम में वो कपड़े सूख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि बारिशों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवाओं में पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी नमी नमी रहती है। लवांगजी कहता है, मुझे तो ये डर है कि हम टाइम से घर पहुँचेंगे या नहीं, मेरा तो फ़ोन भी डेड हो गया, अंकल को कैसे बताऊँ। विंग कहता है, मेरा भी फ़ोन यहाँ काम नहीं कर रहा, लगता है सिग्नल चले गए हैं। लवांगजी थोड़ा डरा सहमा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके अंकल किसी भी एंगल से उन लोगों के लिए चिंतित हों, लेकिन अब मजबूरी थी, वो कुछ बता भी नहीं सकते थे। अंकल चरण और उसके फादर उसे फ़ोन तो ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर वो शिटन से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो विंग के साथ बाहर गया है। अब विंग उसके साथ उसका पार्टनर था, तो इन लोगों को विंग और उसका ज़्यादा आसपास बैठना भी इतना खलता नहीं था। यहाँ पर वो लोग शांति से सोचते हैं कि हो सकता है आते हुए इन्होंने सुबह भी ड्राइव की थी और आते हुए थककर कहीं रुकने का फैसला किया हो, लेकिन इस बार आते हुए उन्होंने रुककर फैसला करने का तो सोचा था, पर वो थके नहीं थे। यहाँ पर लैंडस्लाइड ने उन सबकी हालत ख़राब कर दी थी। यहाँ पर जोर से बादलों पे बिजली गड़कती है। लवांगची, जो कि एकदम से यहाँ पर देखता है कि लाइट जा रही है, क्योंकि पूरा मौसम बदला हुआ था और उसके बाद बिजली का कड़कना, लवांगजी इतनी तेज़ डर जाता है कि वो अनकॉन्शियसली विंग के पास आ जाता है। विंग यहाँ पर लवांगजी को देख रहा था, जो कि उसकी बाजुओं में कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। वो लवांगजी को गले से लगाता है और कहता है, लंजा, क्या हुआ। लवांगजी यहाँ पर कहता है, इस तरह के बादल तब आते हैं, करजते हैं, और इस तरह के बादल तब आते हैं जब कोई मनहूस खबर आ रही हो। मैं उम्मीद करूँगा सब ठीक रहे। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लंजा, कोई मनहूस खबर नहीं आ रही, ये तो प्रकृति का नेचर है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वो लंजा को पूरा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। वो लंजा को अपने पास रखता है। दोबारा से पिछली दिन तेज खड़कती है कि लंजा विंग को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है। लंजा के नाखून उसकी बाजुओं में घुस गए थे और लंजा का जो चेहरा था उसकी छाती में था, छुपा हुआ। वो नहीं देखना चाहता था कि कौन आखिर है जो उसे लेने आया है या उसकी तरफदारी करने आया है। इवन उसे लगता है कि शायद ये बंदा जो भी आएगा वो उसका मुंह या उसकी मुंडी ही काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर
यहाँ पर लवांग जी डरे डरे विंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक आए हुए। विंग को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। विंग जो कि एक अल्फा था और अपने आप पे बहुत देर से कंट्रोल किए हुए था, वो लवांग जी को फाइनली कहता है, लंजा तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? मैं एक अल्फा हूँ, तुम एक ओमेगा हो, और तुम जानते हो कि अगर एक अल्फा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लवांग जी कहता है, मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। विंग कहता है, तुम नहीं जानते, हम तुम्हारे ओमेगा सेंट, तुम्हारा ओमेगा सेंट तुमसे भी कहीं ज़्यादा हम लोगों की नज़रों में आ सकता है। और यू नो व्हाट, तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हो वो अनमोल बन जाती है। जी उसकी बातों से बहुत प्रभावित था, लेकिन वो विंग से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बीच में पिलो रख लेते हैं। वांग जी अभी भी कह रहा था कि मेरा हाथ पकड़ के ज़रूर सोना, मुझे डर लगता है जब भी बिजली कड़कती है। जब माँ गई थी तब भी ऐसा ही मौसम था, और अब मैं नहीं चाहता कि कोई मनहूस खबर आए। लंजा का ये डर देख के विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब उसका दिमाग उसकी खुशबू में नहीं था, बल्कि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि लंजा यहाँ पर उससे हेल्प मांग रहा है और वो लंजा को क्या सलाह दे रहा है। हालांकि उसकी सलाह गलत नहीं थी। यहाँ पर जो विंग था ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था हमारे लंजा को। उसे बहुत अच्छा लगता था लंजा को एडमायर करना, एक्नॉलेज करना। लंजा जो कि यहाँ पर अपने स्लीपिंग रोब को ठीक से करता है, चद्दर लेता है और दूसरे हाफ पे सो जाता है। यहाँ पर विंग मन में सोच रहा होता है कि आई विश लंजा, अगर हम कपल होते तो मैं तुम्हें कप का कोट कर देता। यहाँ पर हमें अपने बीच में सराहना रखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो अपने आप में मन में ही सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इस तरह से अपने दोस्त पे लाइन मारना गलत होता है, उसके बारे में गलत विचार रखना भी गलत होता है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। और वो यहाँ पर दूसरी साइड मूव करता है और सो जाता है। उसने अभी भी वांगची के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। वो कुछ भी दिखाना नहीं चाहता था कि उसे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ उसे फ़र्क पड़ता था क्योंकि वो भी एक इंसान है। यहाँ पर लवांग जी चैन से विंग का हाथ पकड़े पकड़े सो जाता है। रात में बहुत बुरी तरह से बिजली कांपती है और जो लवांग जी होता है ना, वो यहाँ पर बिजली का शोर सुन के अनकॉन्शियसली अपने ड्रीम्स में बच्चे की तरह रोने लगता है। वो इस वर्ल्ड में आता है एक बच्चे की तरह, जो कि यहाँ पर बहुत बिलक बिलक के रो रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही उसे सपने आ रहे थे। और वांग जी यहाँ पर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। तब यहाँ पर वी विशन उसे बड़े प्यार से हक करके संभालते हैं और यहाँ पर उसे अपने ही सीने पर सरकने के लिए कहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वांग जी पूरी रात डरता रहे, और डर कर अपने मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकाल रहा था, माँ 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 वापस आ जाओ। इतना ज़्यादा लगाव एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से कैसे ना हो, माँ का तो वो लाडला था। यहाँ पर व्यू विजन समझ आता है कि वांग जी अपनी अपनी मरी हुई माँ को बहुत मिस कर रहा है। तब वो उसे बड़े प्यार से हक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो हक करते हैं, तब व्यू विजन देखता है कि यहाँ पर वांग जी बहुत बुरी तरह से ही कांपे जा रहा है। वो उसे शांत करते हैं उसके हाथ को पकड़ कर और उसके सिर को अपने सीने से लगाकर उसकी सोने में मदद करते हैं। दोनों पूरी रात इसी पोस्चर में सो रहे थे और उनके बीच के जो जो चीज़ें थी, जैसे कि पिलो, चादर फोल्ड हुई भी, वो सब यहाँ पर भी विभूषण उसके पीछे से हटा देता है। वो मन में सोचता है कि वांग जी को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी को जितना काम डाउन कर सकूँ मुझे उसे उतना काम डाउन करना चाहिए। जो कि डरा सहमा हुआ था, वो कड़कती बिजली के साथ उठ जाता था, लेकिन उसकी नींद टूट जाती थी, पर उसका कॉन्शियसनेस अभी भी कंप्लीट नहीं आता था। वो अनकॉन्शियस कंडीशन में सारी रात अपनी मदर को याद करता रहा। माना कि वो छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन अभी भी उसे अपनी छोटे बचपन की वो सारी यादें याद थी। और यहाँ पर वो जब डरता तो वी विजन अब उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता। वो भी वी विजन को बहुत टाइटली पकड़कर उसके सेंट को बहुत अच्छे से महसूस करते हुए सो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पर सबसे सेफ इंसान के हाथों में था, तो उसे नींद क्यों नहीं आती। और विंग ऐसा इंसान है जो कभी भी वांछी को
किसी भी खतरे इसमें नहीं डाल सकता और कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये सबसे अच्छी चीज़ थी क्योंकि वो एक सेफ़ हाथों में था, और जब हम सेफ़ हाथों में होते हैं ना गाइस, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। वंशी भी बड़े प्यार से विंग की बाहों में सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो यहाँ पर हमारे बेचारे विभीषण, जो कि एक ही फॉर्मेशन में लेटा हुआ था और वंशी उसकी बाजुओं पे लेटा हुआ था, उसका हाथ बहुत दर्द करने लगता है। वो सुबह सोचता है कि वांगची कब उठे और कब उसके सिर के नीचे से वो अपनी बाजुओं को निकाले। मगर जब वांगची उठता है, वो देखता है कि विंग कितने वियर्ड से मुंह बना रहा है। वो देखता है कि वो विंग की ही बाजुओं पे सोया हुआ है। तब वो एकदम से उठते ही उसे सॉरी बोलने लगता है। विंग कहता है, तुम कल रात डर रहे थे, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें देख के पिघल गया या मेरी कोई गंदी नीयत थी। वांगची मुस्कुराता है और कहता है, तुम डर क्यों रहे हो, मुझे पता है तुम्हारी ऐसी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। तो विंग कहता है, अच्छा इतना भरोसा है मुझ पे। वांगची कहता है, अगर फ़ायदा उठा रहे होते तो मुझे सीने से लगा के नहीं सोते, मेरे साथ कुछ करते और रूम से चले जाते। इतना तो विंग, मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। विंग कहता है, ओके हमें चलना चाहिए घर के लिए। वांगची कहता है, अभी नहीं, मुझे कल रात में अच्छे से नींद नहीं आई, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। विंग कहता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मगर उससे पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। विंग वांगची दोनों थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। विंग भी अपने हाथों को थोड़ा सा चैन देता है और उसके बाद ये लोग खाते पीते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर वांगची रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुस्करा रहा था, ब्लश कर रहा था कि उसे अनजाने में ही सही एक रात तो विंग के साथ मिली। हालांकि उस रात में उनके बीच कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो बस उसके पास रहने का एहसास ही अलग होता है। और वो मन में सोचता है कि विंग कितना केयरिंग है, मेरा फ़ायदा उठाने की बजाय उसने पूरी रात अपने कंधे को तुड़वाकर मेरे सिर को अपनी बाहों में रखा। सो क्यूट ना, उसके ये ख्वाब अलग से बुन ही रहे थे कि विंग उसे कहता है, वांगजी कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या सोच रहे हो। वांगजी थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की है, अब ये मत सोचना कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। वांगची मुस्कुराता है और कहता है, ऑफकोर्स मैं तुम जैसे पागल से सर फिरे से लड़के से क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ओह तो अब तुम कहना चाहते हो कि मैं सर फिरा हूँ, मैं इडियट हूँ और तुम बहुत तेज हो, शातिर हो, तरार हो। वांगची कहता है, प्लीज़ विंग मैं लड़ना नहीं चाहता। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है ब्लश करना बंद करो और घर जाके, सच में आज तो मैं बहुत आराम करने वाला हूँ, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, पता नहीं क्या खाते हो, इतने मोटे हो। वांगजी कहता है, मैं और मोटा। विंग कहता है, तुम नहीं समझोगे, कभी मैं तुम्हारे शोल्डर पे सिर रख के सोऊंगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कितना दर्द होता है, पूरा शोल्डर दुखा दिया तुमने तो मेरा। वांगजी मुस्कुराता है और मन में सोचता है, काश ये दिन रोज़ आए, मगर खैर क्या करें, कुछ उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें रह जाती हैं और कुछ सारे, मतलब कुछ जो सपने हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे हम फुलफ़िल कर पाए। तो वो मन में मुस्कुराकर ही ये थॉट रहने के लिए ही सोचता है, क्योंकि उसे लगता था कि म्यम्या विंग को छोड़ेगी नहीं, विंग अपने वचन को नहीं तोड़ेगा और उसकी लाइफ में शायद विंग नहीं आ पाएगा। वो एक हल्की सी मुस्कान जो कि सैड थी उसके साथ विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या तुम चाहते हो मतलब हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें। नो, मुझे पता है तुम फिर से डर जाओगे और उसके बाद मेरा ही हाथ टूटेगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर वो बाहर देखता है, वो मुस्कुराता है अपने ही हाथ को देख के और मन में सोचता है, वांगची तुम एकदम बेबी बॉय हो, तुम बड़े हो गए, हैंडसम हो गए, लेकिन आज भी जब तुमने कल रात मुझे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था ना, तो मुझे तुम्हारी वो आवाज़, तुम्हारा माँ को पुकारना इतना अच्छा लग रहा था। आई विश, वो मन में सोचता है कि लेकिन हर विश कंप्लीट भी तो नहीं होती ना। यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहता और बड़े प्यार से वांगजी की तरफ देखता है जो कि अभी भी ब्लश कर रहा था। विंग कहता है, भगवान करे तुम्हारी ये मासूमियत हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे, तुम इसी तरह से मुस्कुराते रहो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मतलब तुम्हें देखने को भी दिल करता है, फिर तुमसे नज़र भी हटानी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, वो मन में ही सोच रहा था। वांगची का घर आता है और विंग वांगची को उसके घर छोड़ता है। वहाँ से जब वो जा रहा होता है ना, तो एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होता है। वो अभी भी उस रात की,
बातें सोचा था जब वांगची उसके इतने करीब था। उसकी सांसें वो महसूस कर सकता था और उसकी खुशबू भी, जो कि इस वक्त खुद विंग के कपड़ों से आ रही थी। विंग मन में सोचता है कि ज़िंदगी कितनी अजीब है ना। एक वक्त पर वो वांगची के साथ रहना चाहता था, तो वांगची दूर चला गया। आज उसकी ज़िंदगी में म्यम्या है और वो वांगची के साथ एक रात बिता के आया है। हालांकि उस रात में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी ये सोच रहा था कि कितनी अजब अजब सी ये कुदरत का नियम है ना, ये डेस्टिनी है ना, कि वो चाहकर भी उस इंसान को कुछ नहीं बोल पाता जिससे ना जाने कितनी बातें कहनी है। लेकिन जब भी वो वांगची की तरफ देखता है, उसकी ज़बान पे कोई भी लफ्ज़ नहीं होता। ऐसे ही इनकी गाड़ी चलती है और ये लोग थोड़े दिन एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विंग जानकर वांगजी से ब्लश वाली चीज़ें या फिर वांगजी को कोई ऐसे सिग्नल नहीं देना चाहता था। वो जान के वांगजी से ऊटपटांग बातें करता ताकि वांगजी को उसकी साइड से कोई भी सिग्नल ना मिले, और मन ही मन खुद ब्लश करने लगता कि वो कितना सिली है कि वांगजी के सामने हमेशा ऐसे दिखाता है जैसे ना जाने उसे कितना ज़्यादा वांगची बचकाना बच्चा लगता है। लेकिन विंग की एक खासियत थी कि उसे वांगची को काम करते अपने ही सामने देखना बहुत पसंद आता था। वो चुपके चुपके अपने कंप्यूटर से नज़र छुरा के वांगची की तरफ देखा करता था, और जब वांगची की नज़र उस पर आ जाए तो वो जानबूझकर इधर उधर अपनी नज़र को घुमा लिया करता था। और फिर जब वो उसे पता होता था कि वांगची उसे देख रहा है, तो वो एकदम से वांगची की तरफ देख कर घूर कर पूछता था कि मुझे क्यों देख रहे हो। वांगजी शर्मसार हो जाता था और वो मुंडी नीचे कर लेता था। विंग भी मुस्कुराता था और कहता था बेवकूफ। और यहाँ पर ऐसे ही इनकी आँख मचोली शुरू थी। दोनों एक दूसरे को देखा करते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। खाने के टाइम पे विंग जान के वांगजी को अपने साथ रखा करता था, उसके लिए प्लेट्स खुद से लाया करता था, और मेस में वो जान के वांगजी के साथ ही जाता था। ज़्यादातर वो खाना जो थे वो मेस में ना जाकर विंग के अपने पर्सनल रूम में ही खा लिया करते थे। लेकिन कभी किसी के मन में कोई गलत फहमी ना आ जाए, गलत रूमर्स ना आ जाए, इसलिए वो वांगजी के साथ जाकर मेस में भी खा लेता था, जिससे आसपास के एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि जो हमारा ऑनर है वो डाउन टू अर्थ है, वो हम जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में भी बैठ के खा सकते हैं और वो ऊँचे नीचे का भेदभाव नहीं करते, और ये एनवायरमेंट वो ज़रूर ऐसा रखा करते थे। यहाँ पर वो वांगजी को किसी भी पूरे या किसी भी प्रकार के अजीबोगरीब अल्फा से मिलने नहीं देता था। बहुत सारी डीलिंग के लिए वांगची के नीचे वेनिंग को ही छोड़ दिया जाता था। उसे सबसे ज़्यादा क्यूट तब लगता था जब वांगची उसकी तरफ प्यार से देखता था और वो वांगची को बुली कर दिया करता था। वो वांगची के सामने ही वांगची के कभी कभी इमोशंस को हंसी में मजाक में टाल दिया करता था। और यहाँ पर एक दिन उसके रूम में म्यम्या आ जाती है। वांगजी जो कि अपने पास से देख रहा था म्यम्या, यहाँ पर जब विंग के पास आती है तो वो विंग को पीछे से हक कर लेती है। विंग जो कि जानता था कि उसके रूम के साथ वांगजी का कमरा है और वांगजी उसे देख रहा होगा, वो फ्रीज सा हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता म्यम्या का यहाँ बिना कहे बिना बताए आना, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। म्यम्या यहाँ पर उसे चिपक चिपक कर बहुत सारी बातें करती हैं, जिसे देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। म्यम्या यहाँ पर जान जान के विंग से बहुत सारी चीज़ें कह रही होती है, कर रही होती है, चिपक रही होती है, जिसे देख के वांगजी का गुस्सा तो सातवें आसमान पे था, लेकिन वो मन में सोचता है कि मैं उन दोनों के बीच में गुस्सा करने वाला और जेलस फील करने वाला कौन होता हूँ। गाइस देखेंगे अगले एपिसोड में कि वांगजी जेलसी से कुछ करेगा या फिर शांत हो जाएगा। विंग को लवांगची के सामने म्यम्या के साथ इस तरह से कोजी रहने में कितनी अनकंफर्टेबल फील होगा, या वो बहुत आराम से लंजा को जेलस फील कराएगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।